हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं कुरकुरी भिंडी। उसके लिए देखिए, मैंने भिंडी ली है, उसको ऊपर और नीचे से काट लिया है और सिंपली एक भिंडी के हमें चार पीसेस करने हैं। इस तरह से ये देखिए, मैंने कई सारी भिंडियाँ करके रख ली हैं। ये बहुत ही इजी प्रोसेस होता है, हम जब डीप फ्राई करके बनाते हैं तो उसमें बहुत सारा ऑयल जाता है जो कि हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता है। माइक्रोवेव में बिल्कुल 2 चम्मच ऑयल की हेल्प से आप पूरी भिंडी घर पर ही बना पाएंगे। ये देखिए, अब हम इसके लिए लेते हैं मसाले। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने भिंडी काट के रेडी कर ली है। अब इसके लिए हमें बहुत ही बेसिक से मसाले चाहिए, जिसमें है नमक, मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, चाट मसाला, नींबू, मैंने पूरा 1 नींबू लिया है, और ऑयल। और इसके साथ हम लेंगे 2 टेबलस्पून बेसन। तो सबसे पहले हम इसमें नमक स्वादानुसार 1.5 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून मिर्च, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ी सी अमचूर पाउडर, चाट मसाला, और इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे नींबू। अब हम इसे 1 स्पून की हेल्प से अच्छे से मिला लेंगे। देखिए, अब इसमें जो हमने 2 टेबलस्पून बेसन लिया हुआ है, इसे मिला के कोट कर देंगे। ये देखिए, ये अभी कुछ इस तरह से हो गई है। ये देखिए, आप इसमें चाट मसाला या नींबू, अगर आप बहुत ज़्यादा खट्टा खाते हैं तो 1.5 नींबू भी डाल सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं आप। इसमें मैं डालूँगी ऑयल, मैं रिफाइंड ऑयल ले रही हूँ, आप कोई सा भी सरसों का तेल वगैरह कुछ भी दे सकते हैं। ये मैंने लिया है 1 1.5 स्पून ऑयल, बस। अब हम इसे, ये मेरी माइक्रोवेव से प्लेट है, इसमें स्प्रेड कर देंगे। ये देखिए, ये मैंने माइक्रोवेव से प्लेट में डाल दी है। हम इस प्लेट को अपने माइक्रोवेव में रखेंगे। ये देखिए, मैं नॉर्मल माइक्रोवेव मोड लगा रही हूँ, इसमें हम इसे 8 मिनट तक के लिए बेक करेंगे। आठ मिनट के लिए मैं ये रेडी हो जाती है, बट बीच में हम इसे एक बार मिक्स कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे 2-3 मिनट हो चुके हैं, तो हम एक बार भिंडी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप वैसे देख सकते हैं कि ये थोड़ी थोड़ी सी कुक हो गई हैं, बस अब हमारे बचे हुए टाइम में ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा टाइम होने वाला है, और फिर अभी हम खोल के आपको दिखाएंगे कि कैसी बनी है। इसे आप बाहर ही रख सकते हैं, गर्मियों में भी ये 2-3 दिन तक खराब नहीं होती है। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा टेक्सचर है हमारी भिंडी का। ये देखिए,
अभी ये बहुत गर्म है, लेकिन मैं फिर भी आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, अगर आपको लगता है कि आपकी भिंडी कम हुई है तो आप इसे 1 या 2 मिनट के लिए अकॉर्डिंगली और माइक्रोवेव कर सकते हैं। देखिए,